11 अक्टूबर की रात सड़क दुर्घटना में घायल आरक्षी और नेशनल शूटर विभूति प्रसाद सिंह को एयरलिफ्ट किया गया है। विभूति को एयरलिफ्ट करके मेदांता गुरुग्राम ले जाया गया है। यहां बता दें कि 11 अक्टूबर की रात विभूति प्रसाद की गाड़ी को खेलगांव चौक पर बिहार से आ रही एक बस ने टक्कर मार दी थी। इस घटना में वे बुरी तरह जख्मी हुए। आनंद फानंद में इलाज के लिए उन्हें मेडिका अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां वो वेंटिलेटर पर इलाजरत थे। बीते 9 दिनों के बाद भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं होता देख पुलिस विभाग के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के सहयोग से उन्हें गुरुवार को मेदांता गुरुग्राम के लिए एयरलिफ्ट किया गया। मेदांता अस्पताल से रांची के भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। कॉरिडोर का नेतृत्व खुद सिटी SP अंशुमन कुमार कर रहे थे। इस दौरान ट्रैफिक DSP भी मौजूद रहे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 17 अक्टूबर को मेदांता अस्पताल पहुंचकर घायल विभूति का हालचाल जाना था। इस दौरान उन्होंने आरक्षी परिजनों को इलाज के खर्च में हर संभव मदद का भरोसा दिया था। वहीं विशेष शाखा के कर्मचारी सुनील कुमार चौधरी और सायना प्रवीण ने विभूति की मदद में अपनी अहम भूमिका निभाई और विभागीय पदाधिकारियों से भी मदद दिलाने का काम किया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।